बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके वो है दही बड़े बनाने का तरीका। तो हमने दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लिया। ये मैंने उड़द और मोगर की दाल ली है, तकरीबन आधा किलो है दोनों मिक्स करके। अब हम इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे, इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो मैं आपको पेस्ट बना के बताती हूँ। तो मैंने इसको पेस्ट बना ली। इसके अंदर पानी तभी ऐड कीजिएगा अगर इसको ज़रूरत हो, अगर वरना इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। ये देखिए हमारा अच्छे से एक पेस्ट बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से फेंटेंगे 5 मिनट के लिए। आप इसको जितना अच्छे से फेंटेंगे दाल उतनी फूलती जाएगी। तो ये देखिए हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी है। मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल को अच्छे से हीट होने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो इसे चम्मच से लेके भी बना सकते हैं या किसी बड़े चम्मच से इस तरीके से लेके थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दोनों तरीके बताए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हाथ से बनाएंगे। हाथ से बनाना सबसे आसान तरीका है। अगर आपके हाथों से नहीं बना जाता तो आप चम्मच से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे हाथों में थोड़ा थोड़ा बैटर लेना है और तेल के अंदर इस तरीके से ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको ऐड करना है। 7 से 8 बड़े इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, तब ये नीचे से छोड़ने लगे, हल्के सुनहरे होने लगेंगे, तब हम इनको पलटेंगे। इस तरीके से इसको पलट देना है, हल्के हल्के हाथों से एक दफ़ा इसको करना है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बहुत ही आसानी से और फूले फूले बनेंगे। तो मैंने क्या किया, बर्फ़ बड़ा वाला आइस क्यूब लिया है बड़े बर्तन में, उसको ठंडा रख दिया है। अगर आपके पास आइस क्यूब नहीं है तो आप ठंडा पानी लें। अगर आप गर्म पानी में बनाएंगे तो ये एकदम सख्त बनेंगे और मुलायम बिल्कुल भी नहीं होंगे, एंड तक भी मुलायम नहीं होंगे। तो ये जब सुनहरे हो जाएंगे तब हम इनको बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए सुनहरे हो चुके हैं। आप इसको एक दो दफ़ा इस तरीके से पलटते रहे ताकि ये अच्छे से एकदम गोल्डन हो जाए। अब मैं इनको बाहर निकाल के ठंडे पानी में ऐड करती हूँ बर्फ़ के साथ। ये देखिए अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये देखिए ठंडे पानी में हम ऐड कर देंगे। अब हम इसी तरीके से दूसरे वाले भी बनाएंगे। आप चाहे तो इसे बड़े भी बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके भी बनाए हैं, छोटे भी बनाए हैं और बड़े भी बनाए हैं। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको भी पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से पलट देना है ताकि जो पास में हो चिपके नहीं। तब जो वो ठंडे हो चुके होंगे तो हम उन्हें क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से दबा के एक बड़े बर्तन में सारे इकट्ठे कर लेने हैं। जब हमें सर्व करना होगा तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तब तक आप उन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आप फ्रिज में नहीं रख रहे हैं तो आप उन्हें थोड़ी देर ठंडे पानी में ही रख दें। तो इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी और उनको पानी से निथाड़ के बाहर निकाल लेंगी। ये भी अच्छे से बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको पानी से इस तरीके से एक एक हल्के हाथों से दबाएंगे और निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे अच्छे से पानी से भी निकाल लिए हैं। तो ये हमारे बनके तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके लिए मैं अच्छे से एक बड़ी सर्विंग प्लेट में इसके अंदर ऐड करूँगी। दही को हमें अच्छे से फेंट के इसके अंदर 1-2 टीस्पून
चीनी ऐड करनी है। इस तरीके का मैंने दही बनाया। दही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं। तो हम इसके ऊपर दही ऐड करेंगे और दही एकदम ज़्यादा खट्टा वाला भी यूज़ नहीं करना है। दही जितना अच्छा होगा बड़े उतने ही अच्छे बनेंगे। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे धनिया की चटनी। हमें सिर्फ धनिया की चटनी यूज करनी, इसके अंदर पुदीना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ इमली की चटनी ऐड की है मैंने। इसके साथ ही मैंने ऐड करना है जो ये मैंने मसाला बनाया, ये सिर्फ नमक और मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा है, इसको इसके ऊपर ऐड करना है। तो ये देखिए हमारे दही बड़े बनके तैयार है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।